अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह जो होल ब्लड सप्लाई एंड वीनस सप्लाई है ब्रेन की वो हम पढ़ेंगे। एंड जो ब्लड सप्लाई है वो है मोस्टली जो बना रहा है वो है सर्कल ऑफ विलिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसका ये है कि इसकी ड्राइंग आ सकती है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न हाउ टू ड्रॉ इट एंड इसकी जो मेन ब्रांचेज हैं और ब्रेन की ब्लड सप्लाई क्या है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे। इसमें बस आपको ये कहते हैं थोड़ी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कि कहते हैं जो स्कल्स के थोड़े फोरामेन हैं जो ब्रेन के, अब क्योंकि मसला ही मेरे पास अभी ब्रेन का मॉडल नहीं है तो मैं ब्रेन के मॉडल के थ्रू नहीं समझा पाऊंगा, बुक्स में ही जस्ट इमेजेस बनी उनके थ्रू समझा पाऊंगा। तो बस जो ब्रेन के सल्का है और गहरा है हमने वीडियो पढ़ी थी उसकी थोड़ी एक नॉलेज होनी चाहिए, और जो ड्यूरल वीनस साइनेसिस वाली वीडियो पढ़ी थी उसमें उसकी थोड़ी लाइक प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। तो खैर स्टार्ट करते हैं। जो आपकी ब्लड सप्लाई है ब्रेन की इट इज कमिंग फ्रॉम फोर आर्टरीज विच आर लाइंग एट द लेवल ऑफ सब एरेक्नॉइड स्पेस, दो वर्टिब्रल आर्टरीज एंड दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। अब होता क्या है, ये जो सर्कल ऑफ विलिस है जो मेन क्या कहते हैं है जो ब्लड सप्लाई दे रहा है ये खुद लाई करता है इंटरपेडंकुलर फॉसा पे, और इंटरपेडंकुलर फॉसा क्या होता है ब्रेन के बिल्कुल इंफीरियर लेवल पे उसकी बेस पे जो ये सर्कल ऑफ विलिस होता है ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये सर्कल ऑफ विलिस जो इंपॉर्टेंट है ये ब्रेन की इंफीरियर सरफेस पे लाई कर रहा होता है सारा, ठीक है। तो ये दो इंटरनल कैरोटिड और दो वर्टिब्रल आर्टरीज से बनता है। अब हम सबसे पहले इंटरनल कैरोटिड की बात कर लेते हैं, इसमें और खास बात हम आगे पढ़ेंगे। एंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल, पोस्टीरियर सेरेब्रल ये तीन आर्टरीज से कहते हैं मेन्स की इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि ये आपका सर्कल ऑफ विलिस की फॉर्मेशन में क्या कहते हैं वो दे रही है अपनी ब्रांचेस और वही बना रही है, और इन्हीं से रिलेटेड आगे थोड़े क्लिनिकल्स होंगे जो इंशाल्लाह मैं एंड ऑफ वीडियो में कराऊंगा। तो खैर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वी नो दैट जो आपका अयोटा होती है आर्च ऑफ अयोटा वहां से ब्रेकिस से पहले कॉमन कैरोटिड एंड सक्रीवी निकलती है। जो कॉमन कैरोटिड जाती है वो आगे जाके बाइफरकेट करती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जैन हमने स्कल्स की फोरामेन वाली वीडियो में पढ़ा था, जो आपकी कैरोटिड कैनाल होती है विच इज ओवर हियर दिस योर कैरोटिड कैनाल, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलेगी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकल के जो इधर कैवर्नस साइनस होता है उसके अंदर ये कहते हैं जाएगी। फिर कैवर्नस साइनस के बाद जो एंटीरियर स्फिंक्टर प्रोसेस है यहाँ पे मीडियली वो निकलेगी और ड्यूरा मैटर जो लेयर है मेनिंजीज की उसको क्या कहते हैं उसके अंदर से पियर्स करेगी। ड्यूरा मैटर पियर्स करने के बाद वो एरेक्नॉइड मैटर की लेयर को पियर्स करेगी और सब एरेक्नॉइड स्पेस में चली जाएगी। सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाने के बाद आगे जाके वो दो टर्मिनल ब्रांचेस देगी, जो उसकी दो मेन टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो हैं एंटीरियर सेरिब्रल, ये है पूरी एंटीरियर सेरिब्रल और ये है पूरी एंटीरियर सेरिब्रल, और है मिडिल सेरिब्रल। मिडिल सेरिब्रल सबसे लार्ज होती है, मतलब मैंने यहाँ थोड़ी छोटी बनाई है पर मिडिल सेरिब्रल सबसे लार्ज होती है, और जो ये है ये दोनों है इंटरनल कैरोटिड। तो इससे पहले हम इनके जो दो टर्मिनल ब्रांचेज हैं उनकी बात करें, पहले जो इंटरनल कैरोटिड की इसी जब ये पूरा रूट ला रही होती है जो इस क्या कहते हैं हेड में जो इसकी थोड़ी सी और ब्रांचेस होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंटरनल कैरोटिड की आपकी क्या कहते हैं जैसी वो ड्यूरा मैटर को ड्यूरा मैटर को जैसी पियर्स करती है कैवर्नस साइनस से निकल के तो वहां पे वो एक ऑफ्थैल्मिक आर्टरी देती है। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी का काम क्या है, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी आपके स्कल के ऑप्टिक कैनाल से पास करेगी, जो ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व और ऑफ्थैल्मिक आर्टरी जाती है। ऑप्टिक नर्व के बिलो और लेटरली ऑफ्थैल्मिक आर्टरी जाएगी, आगे जाके वो स्कैल्प को सप्लाई करेगी, ऑर्बिटल कैविटी को सप्लाई करेगी, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी आपके फ्रंटल और क्या कहते हैं स्मॉइडल साइनसिस इनको सप्लाई करेगी और डॉर्सम ऑफ नोज को भी, यहाँ पे ये जो डॉर्सम ऑफ नोज होती है इसको भी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी आके सप्लाई करेगी। इनकी क्या कहते हैं ऑफ्थैल्मिक आर्टरी ये जो छोटी छोटी आर्टरीज बताऊंगा मैं इनकी अगर वो ना भी याद हो सप्लाई तो इट्स इतना वो मसला नहीं, मेन एंटीरियर मिडिल और क्या कहते हैं पोस्टीरियर की हमको जो एरियाज होते हैं सप्लाई के और जो उनकी ब्रांचेस होती हैं वो याद होनी चाहिए। तो खैर ऑफ्थैल्मिक देती है, ऑफ्थैल्मिक के अलावा इंटरनल कैरोटिड आपकी देती है कोरोइडल आर्टरी, कोरोइडल नाम से पता चल रहा है वो जो लेटरल हॉर्न होता है वहां पे जो लेटरल वेंट्रिकल होती है जो आपका वेंट्रिकल सिस्टम होता है ब्रेन का उसके इन्फीरियर हॉर्न में जाके कोरोइड प्लेक्सस को सप्लाई करती है, और कोरोइड प्लेक्सस के साथ ही जो जो एरियाज होंगे जिसमें आपके कहते हैं क्रस्ट सेरेब्राए लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑप्टिक ट्रैक वगैरह आ जाता है वो उनको सप्लाई करेगी। उसके बाद आपकी होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इंटरनल कैरोटिड की इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आगे जाके ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बना रही है,
ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है जो कि मेन सर्कल ऑफ वेलस बनाने में ये हेल्प कर रही है आगे, क्योंकि पोस्टीरियर सेरिब्रल से जाके एनास्टोमोस कर रही है, उसमें कंबाइन कर रही है आगे वाली डायग्राम में। इन लोगों ने इतना अच्छा दिखाया नहीं है, इन लोगों ने बस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जोन अच्छी दिखाई है। ये जो मैंने यहाँ बनाई है एंटीरियर सेरिब्रल, बीच में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, यस जो एंटीरियर सेरिब्रल है वो दोनों आपस में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग के थ्रू क्या कहते हैं कनेक्ट हुई है, और फिर मिडल सेरिब्रल जो कि सबसे लार्जेस्ट है, जो कि क्या कहते हैं आपका जो लेटरल सल्कस था, जो मैंने सल्काई गायराई वाली वीडियो में पढ़ाया था, लेटरल सल्कस के अंदर मिडल सेरिब्रल आर्टरी क्या कहते हैं उसके अंदर से गुजर रही होती है। उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है ये वाली मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो कि सबसे लार्जेस्ट होती है। तो खैर अब हम आ जाते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी पे। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी क्या कहते हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की कहते हैं, ये मैंने बता दिया, इट इज अ टर्मिनल ब्रांच। एंटीरियर और मिडिल मैंने बताया था, एंटीरियर और मिडिल दोनों टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं मेन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। जो एंटीरियर सेरिब्रल होती है वो लेसर टर्मिनल ब्रांच होती है, और इसका काम क्या होता है कि बेसिकली ये भी मैंने बता दिया कि ऑपोजिट साइड की जो इंटीरियर सेरिब्रल है उसके साथ एक थ्रू एंटीरियर कम्युनिकेटिंग कनेक्ट हुई होगी। इसकी आगे होती हैं कॉर्टिकल ब्रांचेस एंड सेंट्रल ब्रांचेस। कॉर्टिकल नाम से पता चल रहा है कि कॉर्टेक्स के जो एरिया से उनको सप्लाई कर रही होंगी। अब एंटीरियर सेरिब्रल की जो कॉर्टिकल ब्रांचेस हैं, एंटीरियर सेरिब्रल बेसिकली सप्लाई मोस्ट नहीं बल्कि ऑल द मीडियल एरिया ऑफ ये कहते हैं योर सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जितनी भी मीडियल साइड है सेरिब्रल हेमिस्फेयर की, एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर की, उसको एंटीरियर कम्युनिकेटिंग सप्लाई एंटीरियर सेरिब्रल सप्लाई करेगी, और एंटीरियर सेरिब्रल उसके एडजॉइनिंग की कुछ पार्ट लेटरल के कहते हैं उसका क्या कहते हैं लेटरल सर्फेस का वो करेगी सप्लाई। एंटीरियर फिर से समझा देता हूँ, एंटीरियर सेरिब्रल जिस सेरेब्रल हेमिस्फेयर में है उसका पूरा मीडियल, उस पूरे इसका कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर की मीडियल साइड को सप्लाई करेगी, और उसके साथ साथ ये कहते हैं हाँ वो मीडियल सरफेस को सप्लाई करेगी टिल द लेवल ऑफ पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। वो ये दिखा देते हैं कि पूरी मीडियल साइड को सप्लाई कर रही है एंटीरियर सेरेब्रल, और वो फिर कॉर्पस कैलोसम के ऊपर जाके अब टिल द लेवल ऑफ पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, यहाँ तक सारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ही क्या कहते हैं सप्लाई कर रही होती है। और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की एक और खास बात क्या है कि ये प्री सेंट्रल गायरस में जो कि आपका जिधर मोटर एरिया था वहां पे लेग एरिया को सप्लाई करती है। इस बात को याद रखना है, इसकी मैं आगे क्लिनिकल बताऊंगा। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इट सप्लाइज द लेग एरिया ऑफ प्री सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस आपका मोटर क्या कहते हैं रीजन था सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और जो इसकी सेंट्रल ब्रांच होगी एंटीरियर सेरिब्रल की वो कैसे सप्लाई करेगी, वो क्या कहते हैं एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस को पेयर्स करके लेंटिफॉर्म कॉर्डेट न्यूक्लिया और इंटरनल कैप्सूल इनको सप्लाई करेगी। ये इसकी सेंट्रल ब्रांचेस हो गई, ठीक है। कॉर्टिकल और सेंट्रल ब्रांचेस एंटीरियर सेरेब्रल की हो गई। अब हम आ जाते हैं मिडिल सेरेब्रल की। एंटीरियर सेरेब्रल का मैंने बताया कि वो मीडियल क्या कहते हैं मीडियल जो साइड है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अप टिल द लेवल ऑफ पैराटा ऑसिपिटल सल्कस उसको सप्लाई कर रही है एंटीरियर सेरेब्रल। जो मिडल सेरेब्रल की कॉर्टिकल ब्रांच है वो बेसिकली सप्लाई कर रही है सारी आपका जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है पूरा उसकी लेटरल सरफेस को। मिडल सेरेब्रल जितनी भी आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है सेरेब्रल हेमिस्फेयर है उसकी पूरी लेटरल सरफेस को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट फॉर दोस एरियाज जहां पे एंटीरियर और पोस्टीरियर सेरेब्रल एरिया का क्या कहते हैं सप्लाई। अभी पोस्टीरियर सेरेब्रल एरिया का सप्लाई जब मैं बाद में बताऊंगा तो समझ आ जाएगी। मिडल सेरेब्रल एरिया मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो सारी लेटरल जो हेमिस लेटरल साइड जो है हेमिस्फेयर की उस पूरे को सप्लाई कर रही है, उस पूरे रीजन को सप्लाई कर रही है एक्सेप्ट फॉर दोस पार्ट्स जहां पे पोस्टीरियर सेरेब्रल और एंटीरियर सेरिब्रल आते हैं। ये भी बाद में आपको समझ आ जाएगी, इसमें बस खास बात यह याद रखनी है जिस तरह मैंने कहा था एंटीरियर सेरिब्रल आपका सिर्फ लेग एरिया को सप्लाई कर रही है प्री सेंट्रल गायरस में, उस तरह जो मिडल सेरिब्रल है वो प्री सेंट्रल गायरस में क्या कहते हैं सारे पूरे मोटर एरिया को सप्लाई कर रही है मिडल सेरिब्रल एक्सेप्ट लेग एरिया। क्यों? क्योंकि लेग एरिया एंटीरियर सेरिब्रल से क्या कहते हैं वो हो रहा था सप्लाई हो रहा था, ठीक है। एंटीरियर सेरिब्रल की कॉर्टिकल ब्रांच लेग एरिया देगी लेग एरिया को सप्लाई करेगी, और जो बाकी उसके अलावा लेग एरिया के अलावा पूरा जो मोटर एरिया है वो मिडल सेरेब्रल की कॉर्टिकल ब्रांच सप्लाई करेगी। और मिडल सेरेब्रल एंटीरियर सेरेब्रल
इन दोनों की जो सेंट्रल ब्रांचेज होंगी वो आपका कॉर्डेट न्यूक्लिया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया और इंटरनल कैप्सूल को जाके सप्लाई करेंगी। बस सेंट्रल ब्रांचेस नाम से कि वो जो सेंटर में जा रही होंगी, मिडिल सेरेब्रल की, बल्कि आगे इन्होंने सेंट्रल ब्रांच दिखाई भी है। ये इसकी सेंट्रल ब्रांचेस जा रही हैं कॉर्डेट न्यूक्लिया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया और इंटरनल कैप्सूल में, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की। तो ये सारी आर्टरीज हो गई इंटरनल कैरोटिड की, जो मैंने पांच बताई थी। ऑप्शेल्मिक डिवीजन जो है, ऑप्शेल्मिक कोरोइडल एंड योर जो पोस्टीरियर जो क्या कहते हैं, सॉरी, ऑप्शेल्मिक एंड जो कोरोइडल ब्रांच है उसके अगर सप्लाई ना भी याद हो तो कोई मसला नहीं। मेन आपने एंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल, इसकी फर्दर कॉर्टिकल और सेंट्रल ब्रांचेज याद रखनी है, और क्या कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ही आगे जाके पोस्टीरियर सेरेब्रल बता रही है। खैर, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जो सर्कल ऑफ विलिस है वो दो, और क्या कहते हैं जो ब्लड सप्लाई ब्रेन की वो दो इंटरनल कैरोटिड और दो वर्टिब्रल आर्टरी से आ रही है। इंटरनल कैरोटिड की बात हो गई, अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज की। तो वर्टिब्रल आर्टरीज क्या होती हैं? जो सबक्लेवियन आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी, उसी की फर्स्ट ब्रांच होती है, और वो आगे जो सर्वाइकल बोन्स हैं उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन ट्रांसवर्स फोरामेन होता है, वहां से ये ऊपर पास करके फिर ये फोरामेन मैग्नम से पास करती हैं। फोरामेन मैग्नम से पास करने के बाद वर्टिब्रल आर्टरीज आपकी ड्यूरल और अरेक्नॉइड मैटर को पियर्स करेंगी और सब अरेक्नॉइड स्पेस में चली जाएंगी। सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाने के बाद वर्टिब्रल आर्टरीज अपनी कुछ ब्रांचेस देती हैं, जिसकी अब हम बात कर लेते हैं। दो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं। वर्टिब्रल आर्टरीज आपकी जो ये कहते हैं कुछ जो छोटी छोटी ब्रांचेस देंगी, जिनका नाम अगर ना भी आता तो कोई मसला नहीं, वो होगी आपका मेडुलरी ब्रांच एंड मेनिंजल ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये नजर आ रहा है, ये रही वर्टिब्रल आर्टरी, ये मेड्यूला के ऊपर से सप्लाई कर रही है और फिर आगे जाके ये बेसिलर आर्टरी बना रही है। बेसिलर आर्टरी भी अभी मैं बताता हूँ, मैंने ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डाला था कि पॉन्स, ये पॉन्स है, इनके एंटीरियर सर्फेस पे बेसिलर ग्रूव होता है, वो ग्रूव किस लिए होता है? बेसिलर आर्टरी के लिए। और ये रही बेसिलर आर्टरी, ये जो पूरी है यहां से लेकर यहाँ तक, ये बेसिलर आर्टरी है और ये बेसिलर ग्रूव में लाई कर रही है। और ये बेसिलर आर्टरी होत कैसे बनी है? दो वर्टिब्रल आर्टरी से। इसकी इसकी भी हम ब्रांचेस की अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। खैर, वर्टिब्रल आर्टरीज, ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, इनकी कुछ ब्रांचेस होती हैं। एक तो इनकी मेनिंजल ब्रांचेस हो गई, एक इनकी मेड्यूलरी ब्रांचेस होंगी। जो मेड्यूलरी ब्रांचेस होगी वो नाम से पता चल जाए, मेड्यूला में क्या कहते हैं कुछ लेवल, मेड्यूला के कुछ जगहों को सप्लाई करेंगी इनकी। फिर जो इम्पोर्टेंट आती है, सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे लार्जेस्ट इसकी टर्मिनल नहीं, जो इसकी सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है वो है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलम। ये रही वर्टिब्रल के साथ ये निकल रही है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर, और ये नजर भी आ रहा है और ये नाम से पता चल रहा है कि किस एरिया को सप्लाई करेगी। ये आपके सेरेबेलम के इन्फीरियर सर्फेस को पूरे सप्लाई करेगी। सेरेबेलम में ये इन्फीरियर सर्फेस ऑफ वर्मिस को सप्लाई करेगी, जो सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है सेरेबेलम में उसको सप्लाई करेगी, और ये कहते हैं ये साथ साथ मेड्यूला को भी कुछ सप्लाई कर रही होगी, और मे बी ये जाके क्या कहते हैं जो कोरोइड प्लेक्सस है फोर्थ वेंट्रिकल का, वहां पे भी थोड़ी सप्लाई दे। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, विच इज अ लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी। फिर से बता देता हूँ, ये क्या कहते हैं नाम से पता चल रहा है, जो आपका सेरेबेलम है उसके इन्फीरियर सर्फेस को सप्लाई कर रही है। मेनली ये याद रखने के सेरेबेलम के इन्फीरियर सर्फेस को सप्लाई कर रही है, उसके सेंट्रल न्यूक्लियाई को और जो उसके वो हैं जो इन्फीरियर सर्फेस उसकी जो वर्मिस है उसको। एक तो ये हो गई, एक दो छोटी जो मैंने बताई थी मेनिंजल और मेडुलरी वो हो गई। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी दो और ब्रांचेस देती है, एंटीरियर स्पाइनल एंड पोस्टीरियर स्पाइनल। नाम से पता चल रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जाएंगी। एंटीरियर स्पाइनल ये रही, पोस्टीरियर स्पाइनल इन्होंने ना इन्होंने दिखाई है ना मैंने बनाई है। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर स्पाइनल जो है वो यूजली पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर की ही ब्रांच होती है। ये दोनों एंटीरियर स्पाइनल और पोस्टीरियर स्पाइनल कहाँ पे लाई करती हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ये नजर आ रहा है। जो एंटीरियर स्पाइनल होगी वो एंटीरियर मीडियन फिशर में लाई कर रही होगी, और वो स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट है उसके एंटीरियर 2/3 को सप्लाई कर रही होती है। वेयर एज जो पोस्टीरियर स्पाइनल होगी वो पोस्टीरियर जो डॉर्सल रूट है उसके साथ ही सप्लाई करेगी, और पोस्टीरियर स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई कर रही होगी। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि एंटीरियर स्पाइनल एंटीरियर मीडियम फिशर पे लाई करेगी, और वो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 को सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर स्पाइनल जो है वो पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई कर रही है। ये सारी थी वर्टिब्रल आर्टरीज की ब्रांचेस। अब मैंने आगे बताया
वर्टेब्रल आर्टरीज ने दोनों दो आइन कंबाइन होकर बनाई बेजिलर आर्टरी, जो कि बेजिलर ग्रूव पे लाई कर रही है पोन के लेवल पे। अब जो बेजिलर आर्टरीज अपनी ब्रांचेस दे रही हैं उनकी हम नाम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बेजिलर आर्टरीज अपनी, एक तो यहाँ से पता चल रहा है ये पोन्स पे लाई कर रही, तो ये पोन्टाइन आर्टरीज देगी। पोन्टाइन आर्टरीज के अलावा ये जो अब देगी सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो देगी एंटी, जब जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे ये देगी एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर, इसमें ये रही एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर। अगेन नाम से पता चल रहा है कि ये सेरेबेलम के एंटीरियर और इन्फीरियर साइड को सप्लाई कर रही है। एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर से ही एक और ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं लेबरेंथाइन आर्टरी। लेबरेंथाइन आर्टरी वेस्टिबुलो कॉकुलर और फेशियल नर्व के साथ आपका इंटरनल एक्यूस्टिक मीटस में जाती है। लेबरेंथाइन नाम से पता चल रहा है, अगर आप लोगों ने मेरी इंटरनल एयर की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बोनी लेबरेंथ बताया था, वहां से वो उस रीजन को सप्लाई कर रही होती है लेबरेंथाइन आर्टरी। तो वो ब्रांच होती है एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर की और वो इंटरनल एक्यूस्टिक मीटस के अंदर चली जाती है विद के कहते हैं फेशियल नर्व एंड वेस्टिबुलो कॉकुलर नर्व। ये हो गई बेजिलर आर्टरी की पॉन्टाइन हो गई, ये हो गई। अब जो दो इंपॉर्टेंट हैं, एक है सुपीरियर सेरेबेलर और एक है पोस्टीरियर सेरेब्रल। सुपीरियर सेरेबेलर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो जो सेरेबेलम है उसके पूरे सुपीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही होगी, ये रही सुपीरियर सेरेबेलर। और जहां पे बेजिलर आर्टरी खत्म हो रही है वहीं पे ये देती है पोस्टीरियर सेरेब्रल, जो कि सर्कल ऑफ विलिस बनाने में ही हेल्प कर रही है। क्या कहते हैं, ये रही पोस्टीरियर सेरेब्रल, ये रही सुपीरियर सेरेबेलर। पोस्टीरियर सेरेब्रल के कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस बनाने में हेल्प करती है, जिस तरह एंटीरियर और मिडिल सेरेब्रल की कॉर्टिकल और सेंट्रल ब्रांचेस थी, उसी तरह पोस्टीरियर की भी कॉर्टिकल सेंट्रल और कोरॉइडल ब्रांच हैं। पोस्टीरियर की जो कॉर्टिकल ब्रांच है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपके इन्फीरियो लेटरल सर्फेस ऑफ टेम्पोरल लोब, मीडियल सर्फेस ऑफ टेम्पोरल लोब एंड लेटरल एंड मीडियल सरफेस ऑफ ऑसिपिटल लोब को सप्लाई करेगी। अब आप लोगों को शायद मिडिल सेरेब्रल का कॉर्टिकल वाले जो सप्लाई थी वो समझ आ रही हो। पोस्टीरियर सेरेब्रल अपनी कॉर्टिकल ब्रांच के थ्रू इन्फीरियो लेटरल पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, मीडियल पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब एंड मीडियल एंड लेटरल पार्ट ऑफ ऑसिपिटल लोब को सप्लाई करेगी। तो वो जो लेटरल लोब आ रहा है ऑसिपिटल का और जो लेटरल इंफीरियर लेटरल पार्ट आ रहा है टेम्पोरल का, वो भी क्योंकि लेटरल साइड पे ही आ रहा है इसलिए मिडिल सेरेब्रल, और मैंने कहा था मिडिल सेरेब्रल की जो कॉर्टिकल ब्रांच है वो सारा लेटरल जो हेमिस्फेयर है उसको सप्लाई करेगी, एक्सेप्ट फॉर दोज पार्ट्स जो पोस्टीरियर सेरेब्रल और एंटीरियर से सप्लाई हो रहे हैं। तो वो ये दो पार्ट्स हो गए जो इनके कॉर्टिकल ब्रांच के थे, पोस्टीरियर सेरेब्रल इंफीरियर लेटरल के लोब एंड मीडियल लोब ऑफ टेम्पो सॉरी इंफीरियर लेटरल एंड मीडियल सर्फेस ऑफ टेम्पोरल लोब, लेटरल एंड मीडियल सर्फेस ऑफ ऑसिपिटल लोब को सप्लाई कर रही है। जो लेटरल वाला पार्ट है ना वो अब मिडिल सेरेब्रल नहीं सप्लाई करेगी, वो करेगी पोस्टीरियर सेरेब्रल। आई होप इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, ठीक है। और पोस्टीरियर सेरेब्रल आपकी क्या कहते हैं ऑसिपिटल लोब पे जा रही है, वहां पे विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं, तो ये मेन विजुअल कॉर्टेक्स को जो एरिया होता है उसको सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा इसकी सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं, जो इसकी सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं वो भी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई में जाती हैं, थैलेमस में जाती हैं, और भी आई थिंक आगे एक दो जगह जाती हैं, वो क्या कहते हैं यस मिड ब्रेन पाइनियल एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज में जाती हैं वो। उसके अलावा जो उसकी कोरॉइडल ब्रांच होती है वो नाम से पता चल रहा है, कोरॉइडल ब्रांच उसकी जाती है आपके क्या कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल का जो इन्फीरियर हॉर्न है उसके कोरॉइडल प्लेक्सिस में और थर्ड वेंट्रिकल के कोरॉइडल प्लेक्सिस में भी। सो दिस वॉज द होल आर्टीरियल सप्लाई, आई होप समझ में आ गई हो। इसके जो एरियाज हैं मैं फिर से ये कहते हैं समझा रहा हूँ, जो थी जो सर्कल ऑफ विलिस तो ये है, जो ब्लड सप्लाई थी दो क्विक रिवीजन दे देता हूँ, दो इंटरनल कैरोटिड और दो वर्टिब्रल आर्टरी से बनी। इंटरनल कैरोटिड की जो दो मेन, सिर्फ मेन मेन वालों के नाम बताता हूँ क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी फिर इनके मैं आगे वो बताता हूँ क्लिनिकल। जो दो मेन है वो है एंटीरियर सेरेब्रल मिडिल सेरेब्रल, क्या कहते हैं वर्टिब्रल से आगे बेजिलर बन रही है और है पोस्टीरियर सेरेब्रल। एंटीरियर सेरेब्रल की कॉर्टिकल ब्रांच कहाँ पे सप्लाई कर रही है, जो आपका क्या कहते हैं मीडियल पार्ट, पूरा मीडियल एरिया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वहां पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लेग एरिया है प्री सेंट्रल गायरस में उसको। और जो उसकी और मिडिल सेरेब्रल की कॉर्टिकल ब्रांचेस कहाँ सप्लाई कर रही है, जो क्या कहते हैं सारा मोटर एरिया लेटरल साइड पे एक्सेप्ट फॉर द लेग एरिया उसको।
पोस्टीरियर सेरेब्रल की कॉर्टिकल ब्रांचेस मेनली क्या कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स जो जिधर विजुअल ले रहे हैं उसको सप्लाई कर रही है, और इन्फीरियर अभी मैंने पहले भी बताया था इन्फीरियर लेटरल सरफेस ऑफ टेम्पोरल लोब, मीडियल सरफेस ऑफ टेम्पोरल लोब एंड लेटरल एंड मीडियल सरफेस ऑफ ऑर्बिटल लोब, उसको इन दो की जो सेंट्रल ब्रांचेस हैं वो कॉर्डेट लेंटिफॉर्म एंड कॉर्डेट न्यूक्लिया लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई कर रही है। इसकी जो वो है सेंट्रल ब्रांच वो थैलेमस लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया है, मीडियटरी न्यूक्लियर बॉडी और क्या कहते हैं पाइनियल ग्लैंड को भी सप्लाई कर रही है। और इसकी सिर्फ इन दोनों की नहीं है, सिर्फ इसकी कोरोइडल ब्रांच भी है जो कि क्या कहते हैं उसको सप्लाई करती है लेटरल वेंट्रिकल के इन्फीरियर हॉर्न में कोरोइड प्लेक्सिस को और थर्ड वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सिस को। ये सारी थी आर्टीरियल सप्लाई। अब हम आ जाते हैं वीनस सप्लाई पे। वीनस सप्लाई बहुत आसान है। वीनस सप्लाई में बस ये याद रखना है कि वेन्स जो हैं एक तो दे आर नॉट मस्कुलर, उनकी जो वेन्स होती हैं उसमें कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ब्रेन की वेन्स में कोई वाल्व्स नहीं होती और वेरी थिन वॉल्स होती हैं। इनकी जो वेन्स हैं उनको हमने दो में डिवाइड किया हुआ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में आ जाती हैं सुपीरियर सेरेब्रल वेन, सुपीरियर सेरेब्रल वेन ड्रेन करेगी सुपीरियर सेरेब्रल साइनस में। आ जाती है सुपरफिशियल मिडिल सेरेब्रल वेन, सुपरफिशियल मिडिल सेरेब्रल वेन पूरी जो लेटरल साइड है सेरेब्रल हेमिस्फेयर की उसको क्या कहते हैं ड्रेन करेगी और वो लेटरल सल्कस के अंदर लाई करेगी और ये आगे चली जाएगी ड्रेन हो जाएगी कैवर्नस साइनस में। उसके बाद एक आती है डीप मिडिल सेरेब्रल वेन। डीप मिडिल सेरेब्रल वेन क्या करेगी वो क्या कहते हैं इंसुला के लेवल पे एंटीरियर सेरेब्रल वेन के साथ क्या कहते हैं यूनाइट करेगी और वो आगे जाके बेसल वेन बनाएगी। बेसल वेन बनाने के बाद वो ग्रेट सेरेब्रल वेन बनाएगी और ग्रेट सेरेब्रल वेन आगे जाके ड्रेन कर देगी स्ट्रेट साइनस में। मैंने ड्यूरल वीनस साइनस की वीडियो में बताया था स्ट्रेट साइनस आपका इन्फीरियर सेट्राइटल और ग्रेट सेरेब्रल वेन वेन से बनता है। तो जो बेसल वेन है वो ग्रेट सेरेब्रल वेन में ड्रेन हो जाएंगी, ग्रेट सेरेब्रल वेन फिर आगे स्ट्रेट साइनस के अंदर ड्रेन हो जाएंगी, स्ट्रेट साइनस फिर आगे हमें स्टोरी पता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस ट्रांसवर्स से सिग्मॉइड, सिग्मॉइड से इंटरनल जुगलर वेन चला गया। ये थी एक्सटर्नल वेन की बात, एक्सटर्नल सेरेब्रल वेन्स की। जो इंटरनल सेरेब्रल वेन्स हैं, इंटरनल सेरेब्रल वेन्स क्या होती हैं दे आर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ, इनके बेशक नाम ना भी आते तो कोई बात नहीं, थैलेमस स्ट्राइएट वेन एंड कोरोइड वेन। बेसिकली बस ये पता होना चाहिए कि इंटरनल सेरेब्रल वेन जो हैं ये आपका लाई करती हैं इधर इंटरवेंट्रिकल फोरामेन वाले पार्ट पे, ये फिर वहां से पोस्टीरियरली जाती हैं टीला कोरोइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल पे जाती हैं और पोस्टीरियरली जाके इधर जहाँ पे ये कॉर्पस कैलोसम का स्प्लीनियम है वहां पे ग्रेट सेरेब्रल वेन के साथ यूनाइट हो जाती हैं और फिर वो अगेन वो स्टोरी आ जाती है ग्रेट सेरेब्रल वेन के अंदर ड्रेन कर देती हैं, ग्रेट सेरेब्रल वेन आगे स्ट्रेट साइनस में ड्रेन हो जाते हैं। ये थी इसकी पूरी वीनस सप्लाई। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। थैंक यू।